हेलो एवरीवन, हेलो किड्स। आज मैं आपको दीज और दोज का यूज़ बताऊंगी। दीज और दोज का यूज़ सेंटेंस में कैसे यूज़ हो रहा है। सपोज सिंगुलर और प्लूरल मैंने बताया था। सिंगुलर सिंगल के लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल वन मोर देन, एक से ज़्यादा। सिंगुलर एक के लिए, वन के लिए, और प्लूरल वन मोर देन, एक से ज़्यादा। अब यहाँ पर थ्री बॉल्स हैं, तो जब थ्री बॉल्स जस्ट नियर यू, एक से ज्यादा, वन मोर देन बॉल्स जस्ट नियर फॉर अस, जस्ट नियर फॉर अस, आपके पास में है, तो बोलेंगे दीज आर बॉल्स। और जब कोई वन मोर देन थिंग्स, एक से ज्यादा थिंग्स आपसे दूर हैं, तो बोलेंगे दोज आर बॉल्स। दीज आर बॉल्स, दोज आर बॉल्स। दीज आर एप्पल, वन मोर देन एप्पल जस्ट नियर यू। दोज आर एप्पल, जस्ट फार फ्रॉम अस। दीज आर ट्रीज, जस्ट नियर यू। दीज आर ट्रीज, वन मोर देन ट्रीज, जस्ट नियर यू। वन मोर देन ट्रीज, जस्ट फार फ्रॉम अस। दीज आर कैंडल्स, जस्ट नियर। दोज आर कैंडल्स। दीज आर मग्स, जस्ट नियर फ्रॉम अस। दोज आर मग्स, जस्ट फ्रॉम फार फ्रॉम अस। मैंने पिछली वीडियो में दिस दैट, दीज दोज, और दिस दीज और दैट दोज, इन सबका भी जो कंफ्यूजन है वो मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल इन सभी को मैंने एक वीडियो में इकट्ठा आपको इन सबका कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक वीडियो बनाया है। वो बहुत बेस्ट वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि आप चैनल जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे मैंने जो जो वीडियोस डाले हैं आपको शो होने लगेंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वो वीडियोस लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं और आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। दीज यूज्ड व्हेन द थिंग्स आर नियर। दीज यूज कब होता है? जब कोई थिंग्स, वन मोर देन, एक से ज्यादा थिंग्स आपके पास में है, जस्ट नियर यू। दोज इज यूज वेन द थिंग्स जस्ट फार, आपसे दूर है, वन मोर थिंग्स आपसे दूर है, तो दोज यूज होता है। फॉर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, दीज आर बॉल्स बिकॉज जस्ट नियर। अब मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगी जस्ट नियर, आप समझ गए होंगे कि जब कोई एक से ज्यादा चीज़ें आपके पास में हैं तो उसके लिए दीज यूज होता है। जब कोई एक से ज़्यादा, वन मोर देन थिंग्स आपसे दूर है, बट एक से ज़्यादा है, आपसे कोई वस्तु दूर है लेकिन एक से ज़्यादा है, तो मोर देन वन मोर देन, तो उसके लिए यूज होता है दोज, दीज दोज। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर लॉयंस, दोज आर कैट्स। दीज आर डॉल्स, दोज आर बलून्स। दीज आर पेंसिल्स, दोज आर अम्ब्रेलाज। दीज आर केक्स, दोज आर एंट्स। दीज आर बुक्स, दोज आर रैबिट्स। दीज आर एप्पल्स, दोज आर हैंस। These are mangoes and these are chairs. So, मेरा ये these और those का use complete होता है। I hope कि आपको मेरा ये idea, ये समझाने का तरीका पसंद आया होगा। Thank you watching my video. Next video, जैसे आपने subscribe किया होगा मेरा channel, तो आपको मेरा video next नज़र आ रहा होगा, तो please देख लीजिएगा।